Good morning students, welcome to our YouTube channel. In this video, this is the 7th standard geography and the first chapter is your how season occur. It is a part 1. Why it is written part 1 you know? The part 2 you will learn, the how season occur part 2 you will learn after your Diwali vacation when the season will change. Means now the summer month is ending and rainy season is going on. So as soon as this rainy season is going on, in December, matlab after Diwali vacation, when your school reopen, right? आप Diwali vacation के बाद जब आपकी school reopen होती है, तो season change हो जाता है ना? गर्मी से ठंडी आ जाती है. December, November, December में ठंडी रहती है. ठंडा मौसम रहता है. Winter season is will going on. तो that chapter, that part 2 that you will learn in the December month or November. So before going forward, you must learn that. The season, the chapter name is how season occur. Season कैसे होते हैं, बदलते हैं, right? You experience that साल में तीन season आप experience करते हो, right? अभी जो चल रहा है जून टू सितंबर बरसात का मौसम चल रहा है, rainy season. Then afterwards winter season, ठंडी आ जाएगी, आप sweater वगैरह पहनोगे, jacket पहनोगे. Then summer month. तो ये तीन मौसम बदलते कैसे हैं, right? How season occur. उससे पहले आपको ये जानना है कि our earth, that our earth is one of the planet in the solar system. Solar system मतलब सूरज के अतराफ, our sun, sorry, our earth is rotates around the sun. You can see that. You can see through this image, you will better understand. हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, अर्थ है, जमीन है, ये सूरज के गिर्द घूम रही है. Earth revolves or rotate around the sun or revolves around the sun. And sunlight hit different part of the earth causing yearly changes in climate called seasons, right? So हमारी earth जब हमारी जो earth है वो पूरी circular में और spherical shape नहीं है, ये elliptical shape में है. तो कुछ part earth के पूरी पूरी sunlight sun rays sunlight लेते हैं, कुछ part कम लेते हैं, कुछ part लेते ही नहीं है. So that's why seasons occur, right? मिसाल आप देख रहे हो इस इमेज के जरिए, यहाँ पे समर मंथ है, देन उसके बाद स्प्रिंग आ रहा है, राइट, देन विंटर, देन ऑटम, राइट. तो एक्चुअली फर्स्ट समर मंथ, जैसे कि समर मंथ आप जानते हैं कि मार्च टू मई में, मार्च टू मई में समर मंथ रहता है. उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इस ऑटम. समर मंथ के बाद क्या रहेगा, यानी मानसून सीजन रहेगा, रेनी सीजन रहेगा, और उसके बाद ऑटम सेप्टेम्बर में आएगा, राइट. देन विंटर आएगा दिसंबर में, देन स्प्रिंग आएगा मार्च में, राइट, फरवरी मार्च में. अब ये बता दूं कि समर मंथ में हमको बहुत ज्यादा जो गर्मी लगती है ना, लाइक वो क्यों लगती है, बिकॉज अवर अर्थ, अवर जिस एरिया में हम रहते हैं, यानी हमारा कंट्री इंडिया है, राइट. इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैं बताता हूँ आपको. इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आप देख रहे हो, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, है ना. ये जो बीच का लाइन है, इसको कहते हैं इक्वेटर. दैट इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स. ये जो ऊपर का पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो नीचे का पार्ट है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे का पार्ट है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे. जब अर्थ हमारी जो है ना सूरज की तरफ, जब हमारी अर्थ का नॉर्थ का पार्ट, हमारी जो आप देख रहे हो अर्थ का ऐसा शेप है, स्फेरिकल शेप में नहीं है, इलिप्टिकल शेप में है, एक शेप में है, जैसे अंडा रहता है ना, अंडे का शेप, एक शेप में हमारी अर्थ है. तो हमारी जो अर्थ है वो जब हमारा जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, तो वो जब सूरज के क्रेज को ज्यादा लेता है, उस सूरज के साइड में टिल्टेड रहता है, तो ये इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा सनरेज आ रही, सनरेज ज्यादा आ रही, तो ये हिस्सा ज्यादा हीट हो रहा है, जिसकी वजह से गर्मियों का मौसम आता है और समर मंथ आता है. फिर धीरे धीरे धीरे, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व ना, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ सूरज की तरफ घूम रही है, तो घूमते घूमते जब ये हिस्सा, जब ये नीचे वाला हिस्सा सूरज की तरफ झुकता है, दिस साउथर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन, देन दैट रीजन एक्सपीरियंस द समर मंथ. तो फिर इस रीजन में नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द विंटर सीजन. और जितना हम अगर यहाँ पर अगर समर सीजन चल रहा है और हम अगर नॉर्थ पोल में जाएंगे, तो अब यहाँ पर हमारे इधर क्या है, विंटर सीजन चलता है, और यहाँ पर अपोजिट रहता है, यहाँ पे विंटर सीजन है तो यहाँ समर सीजन चलेगा, गर्मियों का मौसम यहाँ होगा साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर समर सीजन चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इंडिया में, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यूरोप, इंडिया, अफ्रीका, चाइना,
जापान लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो दैट रीजन एक्सपीरियंस द विंटर सीजन। तो हम जितना ऊपर जाएंगे उतना उतनी जो विंटर की शिद्दत है, इंटेंसिटी ऑफ द विंटर है, उतनी ज्यादा रहेगी, उतना टेम्परेचर लेस रहेगा बहुत जो नॉर्थ पोल में। और जितना हम टूवर्ड द नॉर्थ पोल अगर चले जाएंगे तो वहां पर पूरा नाइट रहेगा, छह महीने की रात रहेगी, जबकि यहाँ पर जितना और अगर हम जितना साउथ पोल में जाएंगे समर मंथ में, यहाँ पर क्या हो गया एकदम साउथ पोल में, एक्सट्रीम साउथ पोल में, तो क्या यहाँ पर छह महीनों का दिन रहेगा, तो यहाँ पे छह महीनों का रात रहेगा। एक्सट्रीम बोल रहा हूं मैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, साउथ पोल पर छह महीनों का दिन और नॉर्थ पोल पे छह महीनों की रात रहेगी। इसके ओपोजिट में अगर यहाँ पर समर मंथ चल रहा है, यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में छह महीनों का दिन रहेगा और साउथ पोल में छह महीनों की रात रहेगी। अब यू नो द अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अब अर्थ इसके एक्सिस पर रोटेट हो रही है, तो क्या हो रहा है 24 घंटे लग रहे हैं इसको, अर्थ रिक्वायर 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अंडरस्टैंड, अर्थ रिक्वायर 24 hours, तो इसकी वजह से दिन और रात चेंज हो रही है। एंड अर्थ रिवॉल्व एंड कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कर रही है, पूरा एक कंप्लीट चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट कर रही है इन 365 डेज, तो क्या हो रहा है पूरा साल बदल रहा है और 24 आवर में दिन बदल रहा है, इस तरीके से सीजन चेंज हो रही है। सो यू कैन सी दैट दिसंबर मंथ में नॉर्थन हेमिस, दिसंबर मंथ में क्या होता है कि दैट साउथर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द साउथ। तो मार्च मंथ में क्या होता है कि मार्च और सितंबर में क्या रहता है कि 21 मार्च और 21 सितंबर को, 21 मार्च एंड 21 सितंबर अर्थ डे एंड नाइट इक्वल रहते हैं, राइट। तो 21 मार्च को क्या बोलते हैं स्प्रिंग एंड 21 सितंबर को ऑटम बोलते हैं, उस वक्त क्या होता है कि दिन और रात बराबर रहते हैं। और 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑन द अर्थ एंड 21 दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे ऑन द अर्थ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ध्यान रखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जहां पर हमारा इंडिया है, अब ये पूरा जो रीजन है ज्यादातर जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन रहेगा, 21 दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज दिस रीजन एक्सपीरियंस द विंटर सीजन। क्यों विंटर सीजन एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि दिस रीजन डू नॉट अर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डू नॉट टिल्टेड टूवर्ड अर्थ, टिल्टेड टूवर्ड सन, वाइल साउथर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टूवर्ड सन, ये जो हिस्सा है सूरज की जानिब पूरा पूरा झुका हुआ है, सूरज की रोशनी को, सूरज की रेस को ज्यादा से ज्यादा रीजन, ये रीजन साउथर्न हेमिस्फीयर ले रहा है। तो यहाँ पे इस पूरे रीजन में साउथर्न हेमिस्फीयर में समर मंथ रहेगा, जबकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन रहेगा, कब दिसंबर में, 21 दिसंबर को। अब इसके ऑपोजिट ले लो 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टूवर्ड सन, तो ये पूरे रीजन में समर मंथ रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ऑल द कॉन्सेप्ट बेटर। सो आप कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। हाउ डू डे एंड नाइट ऑकर ऑन द अर्थ, डे एंड नाइट ऑकर ऑन द अर्थ बिकॉज द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, इट्स अ मोशन, द मोशन, द टर्म दैट अर्थ रोटेट्स और रिवॉल्व, वी कैन से रिवोल्यूशन और रोटेट, है ना। Next question, how long does the earth, what term is used to describe the earth revolution around the sun, motion or rotation, how long does the earth take to do so, the earth takes 365 days to take the one revolution around the sun, 365 days matlab ek saal complete hote hai, in which hemisphere is our country located, our country located, maine abhi aapko bataya ki our country located, like our country, this is the northern hemisphere, दैट इक्वेटर ब्लैक जो लाइन है वो डिवाइड कर रही है पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों पर, दो पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो अवर कंट्री इंडिया, या हमारा इंडिया है, अवर कंट्री इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाइल द ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ब्राजील इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डोंट द सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ, सबसे पहले क्वेश्चन में बाद में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ में आएगा, क्योंकि सन रेस परपेंडिकुलर की फॉल नहीं कर रही है सारे प्लेसेस पर, बिकॉज सन आवर अर्थ इज नॉट अ स्फेरिकल इन शेप, आवर अर्थ इज अ दैट एलिप्टिकल इन शेप ना, तो दैट्स व्हाई सारी जगहों पे एक जगह एक टाइम पे रोशनी नहीं मिल सकती है, सन रेस नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट, हाउ डिड यू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट, सो जनरली ड्यूरेशन ऑफ द नाइट कैसे मेजर कर सकते हो आप,
विंटर सीजन में सन, बिकॉज ये सनराइज कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है, तो इससे आप ड्यूरेशन ऑफ नाइट मेजर कर सकते हो। क्योंकि सन 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 सेट हो गया, सन मतलब सूरज ग्रूव हो गया, सूरज चला गया, डूब गया, सनसेट हो गया, तो उस वक्त से आप सनसेट का जो टाइम मेजर करोगे तो दैट विल बी द नाइट टाइम। अंडरस्टैंड द टाइम बिटवीन द सनसेट एंड सनराइज यू कैन मेजर द नाइट टाइम। विच टू डेट्स हैड डेज एंड नाइट्स ऑफ द सेम ड्यूरेशन, यानी कि दिन और रात इक्वल इक्वल रहते हैं। मैंने बताया ना इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या है, एक 21 सितंबर है एंड 21 मार्च, 21 मार्च एंड 21 सितंबर को दिन और रात बराबर रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ द टेबल यू शो, ओके ओके, आगे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें 19 दिसंबर, 19 से लेकर 28 तक के, 19 ऑफ द 28 ऑफ द एवरी वन फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर यू नीड टू मेजर द डेज एंड नाइट, सनसेट कब हो रहा है, सनराइज कब हो रहा है, राइट। सो अब ये क्वेश्चन हमसे कहा, डू यू थिंक सच अ चेंजेस ऑकर एवरीवेयर ऑन द अर्थ, कि दिन और रात का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ले रहा है, यानी नाइट इतने घंटे की है, डे इतने घंटे का है। कभी कभी आपको लगता है कि नाइट कई दुनिया में कई ऐसी जगह है जहां पर नाइट 6 महीने तक के दिन रहती है, 6 महीने तक के रात रहती है। कई कई ऐसी जगह है कि 15-15 घंटों के दिन रहते हैं, बाकी के 9 घंटे की रात रहेगी। कई ऐसे है कि 9 घंटे का दिन है तो 15 घंटे की रात रहेगी। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज डिफरेंट लोकेशन ऑफ द अर्थ है ना, और इक्वेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया ये, क्योंकि अर्थ में आप देखोगे सूरज हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ इंडिया से क्यों ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, तो उस रीजन में सूरज की रोशनी टिल्टेड कर रही है। तो जो रीजन है, अब जो हमारे इंडिया में ही आप ले लो, राजस्थान है हमारा जो डेजर्ट रीजन है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है, राइट। दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है और सर्दियों में सर्दी बहुत पड़ती है, राइट। तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट क्यों पड़ता है, क्योंकि सूरज की रोशनी पूरा ओवरहेड कर रही है वहां पर। इसी तरीके से जब हमारे इधर सख्त गर्मी होती है तो इस रीजन में साउथर्न हेमिस्फीयर में सीवियर ठंडी रहती है, उल्टा रहता है पूरा। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इज अवे फ्रॉम द रिसीविंग द रेस ऑफ द सन। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे दिन और रात बराबर के रहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर पे, और यहाँ पे इक्वेटर पे ही, सिर्फ इक्वेटर पे ही सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलर पड़ती है। यही एक कारण है कि यहाँ पे द डेज एंड नाइट आर इक्वल, व्हाइल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जितना हम ऊपर जाएंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर में जितना हम नीचे जाएंगे, उतना एक्सट्रीम ऑफ सीजन हमको मिलेगा। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड लाइक दिस वीडियो एंड ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, सो मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड।